हेलो हाय, दिस इज एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और जो जो भी आप सुनना चाहें। गो वाइल्ड इन इंडिया के इस सेशन में, इस सब्जेक्ट में, इस छोटे से एक प्रेजेंटेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज क्या नया है आप ज़रूर सोच रहे होंगे। नया है, बहुत ही खास किरदार है आज हमारे पास आपके लिए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा क्यों स्पेशल है? क्योंकि भगवान शिव ने खुद इसको अपने गले में रखा था, क्योंकि इसका एक बड़ा फन है और जिस फन को ये शान से उठाकर दुनिया को जता देता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। साथ ही ये एक न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, नाम है कोबरा। कोबरा फैमिली से बिलोंग करता है। नाजा, नाजा इसका साइंटिफिक नेम है। हमारे आसपास इस पूरे इंडिया में, नॉर्थ रीजन को कुछ जगह छोड़कर देखा जाए तो लगभग पूरे एशिया में पाया जाता है और शानदार जीव है। मगर एक बात और खास है, कोबरा में हम लोगों को कई पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, मगर आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक सिंपल इंडियन ब्लैक कोबरा है, कोई स्पेक्टिकल कोबरा नहीं। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा और ये बात आपको खुद उसका हुड देखने यानी कि उसका फन देखने के बाद भी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, लगातार मिलता रहे यही उम्मीद भी है। तो आइए, आपका बहुत ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए आपको जल्दी ही इस दोस्त से मिलवाते हैं। आइए, हमने इस ब्लैक कोबरा को कल ही हमारे मोहल्ले के पास में एक जगह से रेस्क्यू किया और इसकी हालत देखकर मुझे समझ में भी आ रहा है कि ये बहुत जल्द अपनी स्किन शेड करने वाला है, अपनी केंचुली उतारने वाला है, हिंदी में बोलूँ तो। साथ में एक चीज़ और कि ये इस वक्त खासा गुस्सा है, हमसे काफ़ी गुस्सा है और हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी इसको दिखाएं, इससे रूबरू करवाएं। मगर उसके पहले ये काफ़ी गुस्से में है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों तक इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं, मगर हमसे तो इसकी आवाज़ हमारे कानों तक बहुत तेज टकरा रही है। तो आइए मिलवाते हैं आपको एक ब्लैक कोबरा, ब्लैक इंडियन कोबरा से। आइए, आइए आपको मिलवाते हैं एक बेहद आक्रामक ब्लैक कोबरा से, जो इस वक्त काफ़ी फुल मेगा साइज में हमारे पास है और काफ़ी गुस्से में है इस वक्त। इसका वेट भी अच्छा खासा है और ये काफ़ी नाराज़ है हमसे, केचुली उतारने वाला है, इसलिए काफ़ी डरा भी हुआ है। आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको ये बहुत ढंग से दिख रहा है या नहीं, मगर मैं आपको बता सकता हूँ सांप इस वक्त ढंग से देख नहीं सकता। इसके शल्कों में, इसकी आंखों के लेंस भी अभी झड़ने ही वाले हैं कुछ वक्त में। तो ऐसे वक्त में इनका, इनको हर चीज़ जो दिखती है वो बहुत फॉगी हो जाती है और ये इस वक्त ज़बरदस्त, देखिए अपने हूट को ये कैसे खड़ा करके ये जता रहा है, ये बता रहा है कि मुझे तुम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ज़रा देखिए कितना सुंदर जीव है ये। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पेक्टिकल कोबरा नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये एक स्पेक्टिकल कोबरा नहीं है, क्योंकि अगर ये स्पेक्टिकल कोबरा होता तो हमको इसके हूट्स पे दो आँख नुमा आकृति दिखती, ये देखिए। मगर इसमें हम लोगों को इस वक्त कोई भी किसी भी तरीके की कोई आँखें नुमा आकृति नहीं दिख रही है, जिसका मतलब है कि सिंपल एक ब्लैक कोबरा है, ना कि कोई स्पेक्टिकल कोबरा है। कोबराज में हमें कई पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो अगर सिंगल रिंग वाले मोनो स्पेक्टिकल कोबरा भी हो सकते हैं, वो डबल स्पेक्टिकल कोबरा भी हो सकते हैं, और ये आपके सामने जो कि स्पेसिमन है, एक सिंपल ब्लैक कोबरा, इंडियन ब्लैक कोबरा का स्पेसिमन है। ये फुल साइज़ है, ये लगभग 4-4.5 फीट के आसपास का है और ये इनसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये देखिए, ये समझने की कोशिश कर रहा है अपने आसपास की चीज़ें कैसी चल रही हैं, उसके आसपास क्या है। ये सांप कमाल के फोकस होते हैं, बड़े कमाल के फोकस, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सांप एक बार में इतने फोकस हो जाते हैं कि ये लगभग सम्मोहित हो जाते हैं, ये लगभग सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये पूरी तरीके से अपने एक सब्जेक्ट की फॉर्म में एक फोकस रहते हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाते। इसलिए स्नेक चार्मर्स इन सांपों को यूज़ करते थे,
हमारे यहाँ पर हमेशा से हिस्ट्री में इन सांपों का वर्णन स्नेक चार्मर्स की तरफ से भी होता रहा। स्नेक चार्मर्स कहें या कहें कि सपेरे इन सांपों को नचाते हैं, पर ये सच नहीं है दोस्तों। ये सांप सुन नहीं सकते, ये सांप और सांपों की तरह लगभग पूर्णतः बहरे होते हैं। ये सांप बहुत ज़्यादा सुन नहीं सकते, ये बस किसी भी चीज़ को जो भी हिलती हुई दिखती है, जैसे इस वक्त मेरी टांगों को हिलते हुए देख रहा है, ये फोकस्ड है, पूरी तरीके से फोकस्ड। हिलने वाली हर चीज़ इसको अपनी आंखों में रोक लेती है और ये लगभग सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे में जब भी बीन बजाने वाला कोई सपेरा जब भी किसी सांप के सामने अपनी बीन हिलाता है लगातार, तो ये सांप समझता है कि कुछ चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये सम्मोहन की स्थिति में चला जाता है। मगर ये सुन नहीं सकते, तो ये मानना कि सांप नाचते हैं बीन के साथ, ये महज एक झूठ है और कुछ नहीं। इस सांप की हालत काफ़ी अच्छी है, ये कहीं से भी डैमेज नहीं है, इसको कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, स्किन शेड करने के काफ़ी करीब है और ये फुल ग्रोन ब्लैक कोबरा है। आज हम लोग अगर इस यहाँ पर इस मौके पर जब आपके सामने मौजूद हैं और हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में हम इसको जंगल नहीं छोड़ सकते हैं, हम जंगल तक नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि इसको रेस्क्यू करने के बाद आखिर एक जू तक इसको छुड़वा दिया जाए और जू के बाद ये सांप वापस से अपने जंगलों की तरफ लौटा दिया जाएगा। आखिर जू वालों की ये जिम्मेदारी भी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी, हम आपके सामने फिर से कोशिश करेंगे कुछ एक नया स्पेसिमेन लेके, एक नई चीज़ लेके जो आपको काफ़ी पसंद आए और आपको अपने प्रकृति के काफ़ी करीब ले जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इस सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हम लोगों को लगातार मिलता रहेगा। आज हम लोगों ने ये वीडियो एक छत पर बनाया है, जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है, ठीक उसकी छत पर बनाकर ये वीडियो तुरंत डेवलप करके इस सांप को, इस खूबसूरत जानवर को हम लोग वापस से इसके जंगलों तक वापस पहुंचा देंगे। ये एक बहुत खास मैं आपको और बात बता देना चाहता था कि ये सांप न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस होते हैं। नाजा उर्फ कोबरा, ये पूरी फैमिली न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस होती है। और न्यूरोटॉक्सिक जहर से मेरा ये भी मतलब है कि जब ये सांप आपको काटता है तो इसका जहर पूरी तरीके से आपकी तंत्र प्रणाली को तोड़ देता है, आपको बहुत जल्द हार्ट अटैक आता है और आप 30 से 25 मिनट में अगर रश नहीं करते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। ये सांप इसलिए भी खास है क्योंकि भोलेनाथ ने इसको अपने गले में जगह दी। ये इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे यहाँ पे नागों में शेषनाग, वासुकी वगैरह ऐसे कई सांपों का वर्णन मिलता है जो कि नाग थे। तो क्योंकि ये नाग प्रजाति से बिलोंग करता है, मुझे लगता है कि देखिए कितना सुंदर है, पूरी तरह से आक्रामक, पूरी तरीके से फोकस्ड, मगर बहुत ही गुस्सा। तो अब समय है इसको वापस से अपने पर्यावरण में वापस पहुंचा देने का, समय है इसको वापस से आज़ादी के स्वाद को चखने देने का। ये जिस तरीके से जंगलों से वापस रोड पे आया था, उम्मीद करते हैं कि वापस नहीं आएगा और इसको वापस से कोलीपुरा रेंज में हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे एक जंगल का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सपोर्ट और प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे। देखिए जरा इसको कितना सुंदर है और कितना फोकस्ड भी। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं, आपसे जल्दी फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे एक नए स्पेसिमेन के पास आपको लाने की, कुछ नए रंग दिखाने की, प्रकृति से नए रूप से मिल पाए। तब तक के लिए शब्दा खैर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।